काम हो जाएगा। तो क्या लगता है आपके इस कदम से हर जगह त्राहिमाम मच जाएगा और से मार का खराब कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर ये जमसालाब आप देख रहे होंगे, अगर मैं आज एक बार घंटी बजाने की देरी है तो हमारे ये जो नौजवान हैं 20 और 25 साल के जो लड़के हैं, ये डंडा खाने के लिए भी तैयार हैं, ये बैरियर तोड़ने के लिए भी तैयार हैं, और ये संसद मार्ग को भी कूद सकते हैं, और अगर समय मिला तो चक्का जाम भी कर सकते हैं। आपके जो साथी को यहाँ पे बंद घेर के रखा गया, कितनी मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया, कितने साथी हैं आपके? हमारे साथ अभी भी करीब करीब 1500 से ऊपर साथी अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। और यहाँ तक कि देखा जाए कि हम लोग का ये मांग बहुत पुरानी मांग है, बिहार का कोई नामो निशान नहीं था, और ये जो है शतपथ ब्राह्मण पुराण में भी इसका है उल्लेख, त्रेता युग में भी उल्लेख है, रामायण में भी उल्लेख है। कहने का मतलब है कि हम लोग का इतिहास छुपा हुआ नहीं है। 1912 में बिहार कट के अलग किया गया, जब बंग भंग आंदोलन हो रहा था 1905 ईस्वी में, बंगाल को तोड़ने की कोशिश की अंग्रेजों ने, और क्योंकि बंगाल में जो है आंदोलन हो रहा था तेज अंग्रेज को भगाने के लिए, तो इसी तरह बिहार के साथ जो है हम लोग मिथिला को जोड़ दिया गया। और मिथिला का जो है इतिहास बहुत पुराना रहा, हम लोग के इधर विकास कुछ हो नहीं रहा। मगही सरकार जो है नीतीश कुमार लालू जी ने 30 साल शासन किया, और इसके बावजूद भी हम लोग जो है बाढ़ के समस्या से आज तक कभी इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। लेबर जोन हम लोग का बना दिया गया है, करीब करीब 25 से 30 चीनी मिल थी जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था, चीनी मिल को बंद कर गया। बहुत ऐसे समस्या जिसका एक एक समस्या पे यदि लड़ा जाए तो हम लोग को 50 साल 60 साल भी लग जाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मिथिला राज्य अलग हो और हम लोग अपना जो है खुद डेवलप करें, अपने आप को जो है खुद जो है प्रोग्रेस करें। बेशक मिथिला राज बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में मूल रूप से 3 भाषा बोली जाती है, लेकिन आप जब मिथिला राज बनाने की बात करें तो आप कितने जिले अपने मिथिला में एक साथ लाने की मांग कर रहे हैं? जी, हम मिथिला राज बनाएंगे जिसमें 22 जिला जो है बिहार के होंगे, और हमारा जो मूल उद्देश्य है हमें रोजगार चाहिए। जो रोजगार बिहार के साथ भेदभाव किया जाता है, जब ओवरब्रिज बनाने की बात आती है तो वो पटना में बनता है, लेकिन वो ओवरब्रिज हमारे मिथिला में नहीं बनता है, भागलपुर में नहीं बनता है, पूर्णिया में नहीं बनता है, और जब किसी कंपनी की लगाने की बात आती है तो वो हमारे यहाँ नहीं लग पाता है, दूसरी जगह लगता है। मिथिला के साथ हमेशा भेदभाव किया गया, और भाषा के आधार पर हम सब मैथिल हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है, हमें मिथिला राज्य चाहिए, चाहे इसके लिए अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, तो जो गलती हमारे पूर्वज करके गए वो गलती हम नहीं करेंगे। आप राम मंदिर बनाते हो, राम मंदिर के लिए इतना पैसा आता है इतना, लेकिन सीता जी का जहाँ जन्म हुआ, सीता जी का सीतामढ़ी में जन्म हुआ, वहाँ आज मंदिर नहीं है, वहाँ आज विकास नहीं है, वहाँ के युवा दर दर ठोकर खा रहे हैं। आज मिथिला के युवा सिर्फ मजदूरी करने के लिए दिल्ली पंजाब घूम रहे हैं, आज वहाँ कंपनियाँ क्यों नहीं है? आज युवा वहाँ के त्राहिमान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एक अच्छी कंपनी नहीं है। ये सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित करती है। बहुत अच्छी बात की, ये सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित करती है, लेकिन आप लोग चुनाव के टाइम पे फिर वही सरकार क्यों लेकर वापस आते हैं? इस बार फिर आप लोग वही गलती कर दी। मिथिला के युवा अब जाग चुके हैं, हमको बहुत ठगा, अब हम ठगने वाले नहीं हैं। आपके राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो तो सत्ता ही परिवर्तन लगातार करते थे, बिहार की विकास क्या कर पाएंगे? तो बस यही एकदम सही बात है ना, नीतीश कुमार जो सत्ता परिवर्तन करते हैं वो अपने सत्ता में बैठने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को नहीं बख्शता है। तो हम लोग ये नीतीश कुमार का नेतृत्व में बिहार, जो वो बिहार का नेतृत्व करें, मिथिला का नेतृत्व अब हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं चाहते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास 19 चीनी मिलता मिथिला में, हमारे पास जूट मिलता, हमारे पास राइस मिलता, हमारे पास पेपर मिलता, हमारे पास सिल्क उद्योग था, जो कि सरकार की गलत नीति और पॉलिसी के कारण बंद पड़ा हुआ है। आप एक चीज देखिएगा कि मैं मिथिला से आने वाले हर एक ट्रेन में गाय भैंस के तरह आदमी जो है जनरल कोटा में सफर करने के लिए मजबूर है। क्यों दो रणनीति? राजगीर को ग्लास ब्रिज, मिथिला को चचरी पुल, क्यों दो रणनीति? नीतीश कुमार की ये दोहरी मानसिकता वाली नीति के कारण हम लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार हैं कि जितने भी मिथिला के युवा जो भी यहाँ पे आए हुए हैं उनका यही कहना है कि हम मिथिला राज बनाने की मांग कर रहे हैं, हम बिहार से अलग होकर, हमको नीतीश कुमार से कोई मतलब, नीतीश कुमार अपने बिहार का नेतृत्व करें लेकिन हम मिथिला का अलग नेतृत्व चाहते हैं। तो बाकी के लिए तमाम खबरों के लिए देखते रहें।